तीन दिवसीय यूरोप दौरे पर पीएम मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। पीएम बर्लिन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट से होटल पहुंचे पीएम मोदी, होटल में हुआ भव्य स्वागत। मोदी मोदी और भारत माता के जय के लगे नारे। होटल में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी। एक बच्ची ने पीएम मोदी से खुद बनाई उनकी तस्वीर पर लिया ऑटोग्राफ। जर्मनी की नई सरकार के साथ पीएम की अहम बात। शाम को इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की मीटिंग में लेंगे भाग। जर्मनी में पीएम मोदी लेंगे बिजनेस राउंड टेबल मीट में हिस्सा। जर्मनी में रह रहे भारतीयों से भी करेंगे मुलाकात। 3 और 4 मई को डेनमार्क में रहेंगे पीएम। डेनमार्क की पीएम के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। कूटनीति के लिहाज से पीएम का आज का अहम दौरा। रूस से नाराज हैं कई यूरोपीय देश। यूपी के चंदौली में योगी सरकार की पुलिस पर लगा बर्बरता का आरोप। पुलिस की पिटाई से एक लड़की निशा यादव की मौत, बहन के घायल होने का आरोप, बरपा हंगामा। गैंगस्टर कन्हैया यादव की तलाश में सैयद राजा थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने उसके घर पर दी थी दबिश। घर पर उस वक्त गैंगस्टर के बजाय उसकी 2 बेटियां ही मौजूद थी। पुलिस के कहने से घर से लौटने के बाद गांव वालों को मिली जानकारी, कन्हैया यादव की बड़ी बेटी निशा की हो चुकी है मौत। छोटी बहन गुंजा यादव बुरी तरह से घायल। गुंजा ने बहन की हत्या को खुदकुशी का रंग देने का लगाया आरोप। तो ये लोग मार कर दी को वहाँ पे साड़ी से बांध कर लटका दिए ताकि ये साबित किया जाए कि आत्महत्या है। निशा की मौत की खबर फैलते गांव वालों ने किया हंगामा। एक एम्बुलेंस में की तोड़फोड़। हमले में 2 पुलिसकर्मी हुए घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंचे डीएम एसपी वाराणसी के कमिश्नर आईजी। निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। आरोपी थानाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह निलंबित। और ये परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था। इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे तो ये बड़े वाला लड़की जो निशा यादव है उनके साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के उपरांत तो उनका डेथ हो गई। जो पुलिसकर्मी घायल है उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है। साथ ही जो मृतका है उसका जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो एक और छोटी बेटी है उसका भी इलाज किया जाएगा। चंदौली में धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एसपी विधायक प्रभु नारायण यादव ने कहा जांच में हुआ अन्याय तो चुप नहीं बैठूंगा। यदि कहीं से इसमें शिथिलता होगी, कहीं से लगेगा कि अन्याय होगा तो हम सब चुप तो बैठेंगे नहीं। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, कई जगह पानी भरा। बेंगलुरु में कई जगह पड़े ओले, गर्मी से राहत लेकिन आवाजाही में दिक्कत। कोलकाता में भी कई इलाकों में बारिश, गर्मी से मिली राहत। अमृतसर में गर्मी से लोग परेशान, वाटर पार्क की ले रहे हैं शरण। धर्मशाला में भी तेज गर्मी, धूल भरी आंधी से सैलानी हो रहे हैं परेशान। मुंबई से दुर्गापुर जा रहा स्पाइस जेट का विमान तूफान में फंसा, कई मुसाफिर घायल। खराब मौसम की वजह से विमान हवा में काबू से हुआ बाहर, कुछ मुसाफिरों को लगी ज्यादा चोट। यूपी में बढ़ते पारे के साथ अयोध्या में सरयू तट पर बढ़ी भीड़। मंदिर परिसर के बीच लाए गए सरयू के जल में स्नान करते दिखे सैकड़ों लोग। अयोध्या दर्शन को पहुंचे लोगों ने गर्मी से निजात पाने के लिए अपनाए तरह तरह के तरीके। झरने जैसे सरयू के तेज प्रवाह का उठाया लुत्फ। हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का लगा तांता। तपती गर्मी में भाया आस्था का स्नान। गंगा तट पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की रैली, कहा मेरी जनसभाओं से बौखलाई महाराष्ट्र सरकार। सीएम उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे का निशाना, कहा लाउडस्पीकर से नहीं रुका अजान तो मस्जिदों के बाहर पड़ेंगे हनुमान चालीसा। रैली में बोले राज ठाकरे, अब महाराष्ट्र के हर जिले में करूंगा रैली। बोले शरद पवार को नास्तिक तो उन्हें लगी मिर्ची।
अपना इतिहास समझने को राज ठाकरे ने बताया जरूरी, कहा जो समाज इतिहास भूलता है उसका बदल जाता है भूगोल। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के हजारों समर्थकों का जत्था पहुंचा औरंगाबाद, राज ठाकरे को सुनने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह। राज ठाकरे की रैली से पहले एमएनएस सुप्रीमो पर बरसे सीएम उद्धव ठाकरे, कहा कुछ लोग हमेशा अपना झंडा बदलते रहते हैं। मुंबई में सीएम उद्धव की रैली, कहा पहले वो गैर मराठी पर करते थे हमला, अब गैर हिंदुओं को बना रहे हैं निशाना। शिवसेना पर एमएनएस का पलटवार, कहा सिर्फ मुसीबत के वक्त ही बालासाहेब ठाकरे को याद करती है शिवसेना। बीजेपी शिवसेना पर बरसे हुए ऐसी, कहा सत्ता में रहते इन्हें दिखी लाउडस्पीकर से होने वाली दिक्कत। राज ठाकरे पर आम आदमी पार्टी का तंज, बोले सौरभ भारद्वाज मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए पूरा प्रपंच। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुंबई में बीजेपी की रैली, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनसभा को किया संबोधित। औरंगाबाद में राज ठाकरे से मिले जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता, जम्मू कश्मीर में विकास योजनाओं पर चर्चा। हल्द्वानी में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद, पाठ करने वालों पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला। हल्द्वानी में चालीसा पाठ करने वालों पर हमले के बाद तनाव, 10 आरोपी गिरफ्तार। सोमवार को बेंगलुरु जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, खेलो इंडिया इवेंट में लेंगे हिस्सा, कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपति की जमानत पर आज फैसला, पिछली सुनवाई पर सुरक्षित रखा गया था फैसला। सेशन कोर्ट को सुनाना है फैसला, राणा दंपति पर है राजद्रोह का केस। मुंबई पुलिस ने किया था जमानत का विरोध, पहले से दर्ज केस का दिया था हवाला। राणा दंपति के वकील की दलील नहीं बनता राजद्रोह का केस, वकील ने कहा राणा दंपति का 8 साल का बेटा घर में है अकेला। राणा दंपति मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पर अड़े थे, कई घंटों के बवाल के बाद किए गए थे गिरफ्तार। गोरखनाथ मंदिर पर हमले की जांच संभाल सकती है एनआईए, हमलावर मुर्तजा अब्बासी का आईएसआईएस से कनेक्शन। कमर दर्द की शिकायत के बाद अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती, बाद में मिली छुट्टी, वीडियो संदेश किया जारी, कहा मैं ठीक हूं। मुझे हॉस्पिटल की सैर करनी पड़ी, 2-4 दिन तो मुश्किल हुआ, तो एनीवे आई एम बैक विद योर गुड विशेस। ग्रेटर नोएडा के दादरी में तेज रफ्तार होंडा सिटी कार नहर में गिरी, एक की मौत, 4 घायल। कार में हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा। यूपी के सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, अक्षय तृतीया और ईद पर ना हो अनावश्यक बिजली कटौती। गुजरात सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, 3% की हुई बढ़ोतरी। नर्मदा में बीजेपी सांसद मनसुख वसावा का बयान, गुजरात में आम आदमी पार्टी देख रही है मुंगेरी लाल का सपना। बिहार के पूर्णिया में सीएम नीतीश की सुरक्षा में फिर लगी सेंध, कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर 2 पिस्टल के साथ संदिग्ध युवक गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, हरदौर चौराहे पर गैर कानूनी, न्यू राम दर्शन कॉलोनी में घरों को प्रशासन ने गिराया। कोलकाता में बीजेपी ने चुनाव बाद हिंसा के 1 साल पूरा होने पर लगाए पोस्टर, जब तक न्याय नहीं तब तक लड़ाई जारी रखने का प्रण। बंगाल के हावड़ा में टीएमसी नेता कल्याण घोष पर धमकाने का आरोप, कार्यकर्ताओं से कहा 2023 ग्राम पंचायत चुनाव में विरोधी दल नहीं दे पाए उम्मीदवार। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक मीट में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़कर दिया संबोधन। अलीगढ़ में स्वामी यति नरसिम्हानंद का विवादित बयान, हिंदुओं से और बच्चे पैदा करने की अपील। गुजरात के पाटन में सीएम भूपेश पटेल का दौरा, पुलिस परेड ग्राउंड में शस्त्र प्रदर्शन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है याचिका। याचिका में जमीयत ने दी है दलील, बुलडोजर के निशाने पर है अल्पसंख्यक। जहांगीरपुरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रोका था बुलडोजर एक्शन, सरोजनी नगर जेजे कल्स्टर को हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर भी आज सुनवाई। शाहीनबाग में भी उसको लेकर संदेश, पुलिस ने सुरक्षा देने से फिलहाल किया इनकार। शाहीनबाग और आसपास के इलाकों का किया गया सर्वे, साउथ एमसीडी डिमोलिशन की तैयारी। खरगोन में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, कुछ दिन पहले हुई थी हिंसा।
खरगोन में एमपी पुलिस बरत रही है सतर्कता, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही निगरानी। बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद का बयान, लाउड स्पीकर मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो बिहार में भी होगा एक्शन। नोएडा में जलाने वाली घटना, पति को कैंसर की पुष्टि होने पर पति पत्नी दोनों ने किया सुसाइड। बुंदेलखंड दौरे पर गए योगी के मंत्री गिरीश चंद्र यादव को सर्किट हाउस में चूहे ने काटा, सांप के शक में देर रात ही पहुंचे अस्पताल। यूपी में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1500 के पार, सीएम योगी ने दिए प्रदेश में सख्ती बरतने के निर्देश, 4 जिलों में अलर्ट जारी। दिल्ली में 24 घंटे में 1485 नए मामले, एक्टिव केसेस 6000 के करीब। दिल्ली में नए केसेस के साथ बढ़ी संक्रमण दर अब 5% के करीब। महाराष्ट्र में मास्क पहनना जरूरी नहीं, अगर केस बढ़े तो छूट पर फिर होगा विचार। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य केंद्र की अजीब लापरवाही, कोरोना वैक्सीन की जगह लगाया रेबीज का टीका।